देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज, मैं आपके साथ विजय यादव। मेरठ में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, इसको लेकर तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी ना हो, लेकिन मेरठ में अब यह आंकड़ा शतक पार कर चुका है और अब संख्या 102 हो चुकी है, जिसमें से 5 मरीजों की यहां पर मौत भी हो गई है। बता दें, स्वास्थ्य विभाग मरीजों को बेहतर इलाज और बेहतर भोजन देने की बात कर रहा है, लेकिन हर बार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मेरठ में नजर आ रही है। मरीजों का कहना है कि न तो उन्हें अच्छा इलाज मिल पा रहा है, न ही अच्छा भोजन, और अब तक मेरठ में बनाए गए 24 हॉटस्पॉट में मात्र 2.5 लाख लोगों की जांच हो पाई है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार मेरठ में बढ़ता जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के माथे पर चिंता की लकीर भी डाल दी है। अभी आने वाले समय में यह आंकड़ा और कितना बढ़ेगा यह तो देखने वाली बात होगी। मेरठ से शुभम शर्मा की रिपोर्ट। सर, किरानों को लेकर अब तक क्या अपडेट है, कितने पेशेंट और नए निकले हैं? आज हमारे यहाँ 49 पेशेंट पॉजिटिव हैं और हम लोग कल 4 पेशेंट और छुट्टी कर लिया, कुल मिलाकर के हम लोग अकुमुलेटिव 30 पेशेंट छुट्टी होगी तक हो चुकी है, 30 में से ठीक होकर के जा चुके हैं और 49 इसमें हमारे पास भर्ती हैं। तो 5 के पहले दुर्भाग्यवश मौत हो गई थी और अभी जो है जो पेशेंट हमारे यहाँ जिसकी डिलीवरी मतलब जिसका सीजर हुआ था, ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, उसकी उस बच्चे की रिपोर्ट कल निगेटिव आ गई है। 6 दिन बाद रिपोर्ट की गई थी, निगेटिव आ गई है, ये खुशी की बात है। और बाकी पेशेंट, कुछ पेशेंट थोड़े से सीरियस भी हैं और कुछ पेशेंट को ऑक्सीजन चल रही है। करीब 40-41 पेशेंट स्टेबल हैं और बाकी पेशेंट कल एक पेशेंट हड्डी का आया था, फ्रैक्चर का, वो भी थोड़ा सीरियस है, ओल्ड एज है। कुछ एक ब्रेन एब्सेस का पेशेंट था, वो थोड़ा सीरियस है। इस तरह करके 6-7-8 पेशेंट सीरियस हैं। सर, बिजनौर से कुछ डॉक्टर साहब भी आए थे, उनकी क्या स्टेटस है? वो बिजनौर के डॉक्टर साहब हैं, बिजनौर डॉक्टर साहब हैं, पता नहीं क्या हैं, बट अभय अग्रवाल जी नाम है उनका। तो वो जो है ऑक्सीजन पे हैं, फिर ऑक्सीजन पे हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन अभी सर कल वहीं एक महिला दासना से कोई महिला आई है प्रेग्नेंट, उसकी भी डिलीवरी हुई है क्या? उसकी डिलीवरी जो है वो हुई थी, उसकी डिलीवरी हुई थी, वो दासना से आई थी और आल्दो क्योंकि तब तक रिपोर्ट नहीं आई थी तो सबको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो पेशेंट जिसकी डिलीवरी करना ज़रूरी है और रिपोर्ट नहीं आई है तो उसके सारे प्रिकॉशंस लेते हुए किए जाएँ। तो प्रिकॉशंस लेते हुए डिलीवरी की गई थी, फिर भी शाम को पॉजिटिव जो आ गई तो प्रिकॉशनरी हम लोगों ने 8 लोगों को क्वारंटीन कर दिया है। सर, क्या उसकी बेबी का भी सैंपल लिया गया? किसका? जो कल डिलीवरी? नहीं, बेबी का सैंपल अभी लिया। बेबी का सैंपल लेने का जो सिस्टम है एक्चुअली वो नॉर्मली तो हम लोग 5-7 दिन बाद लेते हैं क्योंकि उस समय बेबी नॉर्मली 99% पॉजिटिव नहीं होते हैं। पिछले वाले भी बेबी उसको जो किया था उसमें भी नहीं किया। अच्छा, पहले रिजवन में बेबी आया था, उसकी क्या रिपोर्ट आई है? बता रहे हैं, उसकी रिपोर्ट हम कल हम लोग रिपोर्ट आई है, कल उसकी रिपोर्ट निगेटिव है।